Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey here again. Statics or Dynamics ke next video, third video mein, Center of Gravity ke aaj hum dekhenge ki kisi bhi area mein Center of Gravity kaise nikali jati hai. Previous videos ke liye aap description mein ja karke link se purane videos dekh sakte hain. Do diagrams maine banaye hue hain. Abhi tak humne jitne questions kiye the usme humne lengthwise किसी पर्टिकुलर आर्क या किसी पर्टिकुलर लेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में. आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन एरिया. एरिया के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है वो देखते हैं. अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था क्या, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम था और वाई बार क्या था, वाई डीएम अपॉन डीएम. यह है मास और मास होता है अगर इसकी डेंसिटी रो है. अगर लेंथ थी तो लेंथ को हमने डीएस लिया था, लेकिन अब हम जो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं पूरे एरिया की निकाल रहे हैं. और एरिया के केस में यहां पे देखिए मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है इन जनरल. अगर वॉल्यूम नहीं है उसकी लेंथ है तो लेंथ के केस में यहां पर वॉल्यूम की जगह पर लेंथ आ जाएगा. अगर एरिया है तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. तो यहाँ पे रो इंटू डी ए हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, रो इंटू डी ए. और रो से रो कैंसिल होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स बार इक्वल टू एक्स डी ए और यहाँ आ गया डी ए. इसी तरीके से ये आ जाएगा वाई डी ए अपॉन डी ए. फॉर्मूले पे पहले हम फोकस कर रहे हैं, एक्स बार और वाई बार हम कैसे कैलकुलेट करें अगर हमको प्लेन एरिया दिया होगा. अब डीए की बात करें तो आपने 12th में भी एरिया जब हम निकालते थे इंटीग्रेशन से वहां भी पढ़ा हुआ है. और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्फेस का एरिया निकाल रहे हैं तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वाई डी एक्स, एक होता है एक्स डी वाई. इस एरिया से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं कि हम वाई डी एक्स और एक्स डी वाई क्यों लेते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. अब बात करें अगर हमको इतने एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, पहले फर्स्ट वाले डायग्राम को देखेंगे उसके बाद सेकेंड डायग्राम को बाद में देखते हैं. फर्स्ट डायग्राम के केस में अगर जो एरिया है वो एक्स एक्सिस से लगा हुआ एरिया है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस से लगा हुआ एरिया है और यहाँ वाई एक्सिस से लगा हुआ एरिया है, इतने एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो हमने क्या किया, इस एरिया में एक छोटी सी हमने स्ट्रिप ले ली और ये स्ट्रिप क्या है, पी क्यू एम एन या पी क्यू एन एम, ये स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप में इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई और क्यू के एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं. अगर हम करेंगे क्या, पहले जो हमने स्ट्रिप ली है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे. और आपको बताया था पहले फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे लाया करती है. तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें इस स्ट्रिप की तो वो कहाँ होगी, इसके सेंटर पे. और इसके सेंटर की बात करें तो इसका इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये एक्स की जगह पर तो एक्स ही आएगा और वाई की जगह पर कितना आ जाएगा आप यहाँ पर, क्योंकि ये टोटल हाइट वाई है और इसका एग्जैक्टली सेंटर है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई अपॉन टू. ये x कॉमा वाई अपॉइंट टू हो गया, किसके, इसके मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये हो गए. अब अगर हमको इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप जो हमने देखी है वो एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये छोटी सी लेंथ क्या है, डेल एक्स है. तो अगर जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है वो y एक्सिस के पैरेलल है तो आपको वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है एरिया के लिए, और अगर एलिमेंट्री स्ट्रिप x के पैरेलल है तो x डी वाई वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो यानी कि यहाँ पे जो dA है उसके जगह पे कितना आ जाएगा, y dx, और यहाँ पे जो dA है उसके जगह पे कितना आ जाएगा, y dx. ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया. अब y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, y बार. y बार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, एक्चुअल में ये पॉइंट है क्या, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की निकाली थी वो क्या है, y अपॉन टू है. यानी कि जो ये y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट y ना होकर के क्या होगा, y अपॉन टू, dA की जगह पे क्या आएगा, y dx अपॉन इंटीग्रेशन y dx. तो अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो
जो हम एरिया के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एलिमेंट्री पार्ट है अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक्स इंटू वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। लिमिट क्या हो जाएगी इसमें? डी एक्स है क्योंकि, तो एक्स की लिमिट ए से बी जा रही है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? ए टू बी और ए टू बी। ये एक्स बार के लिए फॉर्मूला हो गया। और वाई बार के लिए हमने वाई बाई टू क्यों लिया? क्योंकि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे इसका सेंटर जो आएगा हाफ, वो कितना होगा? वाई बाई टू। तो इस लाइन के केस में हमने देखा ये वाई बाई टू हो गया, तो वाई की जगह पर कितना आ गया? वाई बाई टू। और डी ए की जगह पर क्या आ गया? वाई डी एक्स। और वाई डी एक्स यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी लिमिट क्या हो जाएगी? ए से बी। तो ये एक्स बार और वाई बार के लिए फॉर्मूला हो गया, कब? जब हम एलिमेंट्री पार्ट एक्स के पैरेलल ले रहे हैं। अब वाई के पैरेलल अगर हम ले रहे हैं, अब वाई के पैरेलल में ये एक्स कॉमा वाई ले लिया, ये डेल वाई है, यानी कि एरिया वाला जो फॉर्मूला डी ए जो लगेगा, वो डी ए की जगह पे कितना आएगा? एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला यूज होगा डी ए की जगह पे। और आप देखिए ये एक्स कॉमा वाई है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स बाई टू कॉमा वाई। तो यानी कि यहाँ पे जो एक्स बार आएगा, वो एक्स बार में क्या आएगा? एक्स बाई टू इंटू एक्स डी वाई अपॉन एक्स डी वाई। और यहाँ क्या आ जाएगा? वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन एक्स डी वाई। तो ये एक्स बार और वाई बार के लिए फॉर्मूला हो गया, कब? जब एलिमेंट्री पार्ट किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल के केस में मैंने एक्स बार और वाई बार आपको बताया, एक्स एक्सिस के केस में, पैरेलल के केस में हमने एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला देखा। अब मैं इसी तरीके से आपको पोलर फॉर्म में भी जो एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ जाए कि हमको एक्स बार वाई बार किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसके न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो एक्स बार और वाई बार ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि किसके पैरेलल के केस में आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्यों लगाना है, मैंने वो आपको बता दिया। अब पोलर केस की बात करते हैं, पोलर फॉर्म की केस की बात करते हैं कि अगर पोलर फॉर्म में प्लेन एरिया अगर दिया है, उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है? तो देखिए यहाँ पे मैंने पोलर फॉर्म के केस का डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो ओ एक्स लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन बोलते हैं। आप देखिए ये इतना पोर्शन है ए से बी तक का, ये एरिया जो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे निकालनी है। इस केस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, इसके केस में थीटा थीटा वन से लेकर के थीटा टू, यहाँ से यहाँ तक इसका वेरिएशन हो रहा है। तो जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे पोलर फॉर्म में मैंने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया इसका, और ये एलिमेंट्री पार्ट में पी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर कॉमा थीटा हैं, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलिमेंट्री पार्ट है, एलिमेंट्री पार्ट का ही मतलब ये होता है कि हम बहुत ही छोटा पार्ट लेने जा रहे हैं, बहुत, क्योंकि डायग्राम में आपको बड़ा पार्ट ये लग रहा है, लेकिन ये पार्ट बहुत छोटा पार्ट है। तो अगर हम किसी भी ट्राइंगल की बात करें, क्योंकि ये पार्ट बहुत छोटा है, तो ये वाला जो ये पी से क्यू तक की जो लेंथ है वो कर्व्ड शेप में नहीं होगी, वो एक स्ट्रेट लेंथ होगी। क्योंकि अगर आप कोई एक सर्कल लेते हो, सर्कल में छोटा सा कोई पार्ट लोगे, बहुत छोटा पार्ट लोगे, तो वो कर्व्ड शेप में ना होकर के सीधा होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब ये एज अ ट्राइंगल हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की बात करें, तो उसकी लेंथ क्या होती है? सेंट्रॉइड उसका 2/3 होता है इस लेंथ के, ये आपने पढ़ा होगा। ये 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड जो होता है इसका, तो ये 2/3 होता है इस टोटल लेंथ का। अब अगर हम ये बात करें, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाएं, जैसे मैंने आपको कार्टेशियन में बताया, उसी तरीके से पोलर फॉर्म में भी देखेंगे। पहले जो एलिमेंट्री पार्ट हमने लिया था, ये ट्राइंगल, इसका ये जो एम है, ये एम क्या है? एक सेंट्रोइड है इसका। और सेंट्रोइड की बात करें तो ये 2/3 होगा किसका? आर का, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है? आर है, तो आर का ये 2/3 होगा सेंट्रोइड वाले फॉर्मूले से। अब अगर हम ये ट्राइंगल देखें, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल में अगर आपको बेस की लेंथ निकालनी है, तो बेस की लेंथ क्या होती है? 2/3 हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 2/3 साइन थीटा, ये हो गया। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जो डी ए हमने लिया था कार्टेशियन में, या तो वाई डी एक्स लिया था या एक्स डी वाई लिया था, अब यहाँ पे डी ए क्या लिया जाए? इस एलिमेंट्री पार्ट को देखिए, अब इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया ही क्या है? डी ए है। अब इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया अगर हम बात करें, तो ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस मतलब ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, अगर ये एंगल थीटा है और ये लेंथ आर है, तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? अगर ये लेंथ एल है, तो एल इक्वल टू होता था आर थीटा।
तो इस वाले लेंथ की, पी क्यू लेंथ की बात करें तो पी क्यू लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या है आर, और एंगल कितना है डेल थीटा, तो ये आर डेल थीटा हो गया। बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या है इसकी आर, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है आर, तो 1/2 r² डी थीटा, किसके जगह पे, डी ए की जगह पे, बस यही समझना है आपको यहां पे। अब अगर एक्स बार की बात करें, एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार का फॉर्मूला था एक्स डी ए अपॉन डी ए। एक्स कितना आ रहा है यहां पे, एक्स का मतलब ये जो एम था इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया है 2/3 r cos थीटा, डी ए कितना आ रहा है 1/2 r² d थीटा, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 1/2 r² d थीटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 2/3 r³ cos थीटा d थीटा अपॉन r² d थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ, थीटा वन से लेकर के थीटा टू, थीटा वन से लेकर के थीटा टू, जो भी थीटा की लिमिट दोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स बार के लिए फॉर्मूला हो गया, कब, जब आप पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब अगर वाई बार की बात करें तो वाई बार में क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, और वाई कंपोनेंट क्या है इसका, ये हाइट कितना है 2/3 r sin थीटा हो गए, r sin थीटा इंटू हाफ r² d थीटा अपॉन हाफ r² d थीटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो वाई बार के लिए फॉर्मूला 2/3 r³ sin थीटा इंटू डी थीटा अपॉन r² d थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ, थीटा वन से लेकर के थीटा टू, थीटा वन से लेकर के थीटा टू। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं कि प्लेन एरिया के केस में अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और पोलर फॉर्म में हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब एक न्यूमेरिकल में आपको एरिया का करा दे रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स और लेंगे इसके। तो न्यूमेरिकल इज फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x² = 4ay, x² = 4ay, कॉमा x एक्सिस एंड x = b। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और ग्राफ के अकॉर्डिंग आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से ही आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज करना है। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। आप यहां पे देखिए जो फॉर्म है वो कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म के दो फॉर्मूले जो कराए थे उनमें से एक फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, x² = 4ay, ये होता है पैराबोला। एक्स एक्सिस ये हो गई, और x = b कोई लाइन होगी जो किसके पैरेलल बनेगी, y के पैरेलल। तो ये जो इतना एरिया बन रहा है, इस एरिया के करिस्पॉन्डिंग आपको c मान लेते हैं इसको, इस एरिया के करिस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है, जितना ये ओ सी ए ये पूरा एरिया बन रहा है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट की, तो एलिमेंट्री पार्ट जो बनेगा वो किसके पैरेलल बनना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया लगता हुआ है वो किस एक्सिस से लगता हुआ एरिया है, एक्स, तो एलिमेंट्री पार्ट ये बनेगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए पी क्यू एम एन, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो फॉर्मूला आप यहाँ पे फिर से बना सकते हैं। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, ये जो लेंथ होगी किस में है, डी एक्स। तो इसका एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो मैंने अभी डेरिवेशन में बताया, एक्स बार का फॉर्मूला होगा क्या, एक्स, क्योंकि इस पॉइंट के लिए एक्स तो सेम रहेगा, आप या तो फॉर्मूला याद कर लें या यहां से कंसेप्ट लगा करके इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो होगा x, y/2, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, और फॉर्मूला क्या लगना है, वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। लिमिट आप देखिए एक्स कहां से कहां जा रहा है, जीरो से लेकर के बी तक, 0 to b,
एंड 0 to b, 0 to b x, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 a डी एक्स अपॉन 0 to b एक्स स्क्वायर अपॉन 4 a इंटू डी एक्स। 4 a से 4 a कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to b, और ये हो गया, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स 4 अपॉन 4 हो जाएगा और हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। तो कितना हो गया ये, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 बी की पावर 4 अपॉन b³। तो कितना हो गया, 3/4 b। तो x बार जो है, x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है, वो आ रहा है आपका 3b/4। अब ऐसे ही y बार निकालते हैं इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y कोऑर्डिनेट। y बार के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा था, y की जगह पे y बाई टू है, y बाई टू इंटू वाई डी एक्स अपॉन वाई डी एक्स 0 to b, 0 to b 1/2, 0 to b, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 a² और अपॉन 0 to b एक्स स्क्वायर अपॉन 4 a, यहाँ डी एक्स और डी एक्स। तो 4 a से एक 4 a तो कैंसिल होगा, लेकिन एक 4 a बचेगा और उससे ये कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लीकेशन में आएगा ये, क्योंकि ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में है, तो 1 अपॉन 8 a एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 5 अपॉन 5 0 to b और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to b। 3 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 40 a और ये हो गया b की पावर 5 अपॉन b³। तो ये कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा 3b² अपॉन 40 a। ये किसके, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का y कोऑर्डिनेट हो गया, y बार कितना आ गया, 3b² अपॉन 40 a। तो इस तरीके से आप एरिया के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। बस आपको कंडीशन आपको देखनी है कि एलिमेंट्री पार्ट किसके पैरेलल आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और इजिली आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैराबोला से रिलेटेड ही दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो एरिया वाले ही क्वेश्चंस हैं। आपको डायग्राम फॉर्म करना है और एलिमेंट्री पार्ट देखना है किसके पैरेलल आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आप एरिया का, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें और दोनों के आंसर मैंने मेंशन किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। आगे कुछ पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और इसके अलावा इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो बुक्स में आपको मिलते हैं उनको भी सॉल्व करते रहें।